नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेंद्र, लाइव लगातार देख रहे हैं आप। बॉलीवुड यूं तो हर साल हजारों फिल्में बनाता है, लेकिन कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिनका मजा समय के साथ कभी कम नहीं होता। ये फिल्में टाइमलेस होती हैं। समय के साथ सब कुछ बदल चुका है, फिल्मों को लेकर लोगों का टेस्ट भी। लेकिन कुछ फिल्में ऐसी हैं जिसको लोग आज भी बार बार देखते हैं। ऐसी एक फिल्म है लगान, जो आज के ही दिन 2001 में रिलीज हुई थी। फिल्म को रिलीज हुए आज 20 साल हो गए। 5 सालों में बनी यह फिल्म 20 सालों से बेस्ट है। इस फिल्म से जुड़ी कई बातें हैं जो शायद लोग नहीं जानते। आज हम आपको ऐसी ही कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताने वाले हैं। साल 2001 में आई फिल्म लगान की स्क्रिप्ट पहली बार आमिर खान को सुनाने से लेकर थिएटर पहुंचने तक इस फिल्म को 5 साल लग गए। इतने सालों तक फिल्म के स्क्रिप्ट पर काम होते रहा ताकि फिल्म परफेक्ट बने। आमिर खान ने आशुतोष गोवारिकर के सामने एक शर्त रखी थी कि पहले फिल्म के लिए एक प्रोड्यूसर खोजे, वो भी बिना बताए कि फिल्म में आमिर खान है। कच्छ में शूट खत्म होने के बाद आमिर ने कच्छ के लोगों को ये वादा किया कि लगान फिल्म सबसे पहले कच्छ के लोगों को दिखाई जाएगी। आमिर ने अपना वादा पूरा करते हुए ये फिल्म पूरे हो जाने के बाद सबसे पहले कच्छ जाकर वहाँ के लोगों को लगान दिखाई। उसके बाद ही लगान फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज की गई। परफेक्शनिस्ट आमिर खान ने अपनी भूमिका के लिए अपने कान छिदवाने और झुमके पहनने का फैसला किया। आमिर खान के किरदार भुवन ने फिल्म में जो कानों में बड़ी बड़ी बालियां पहनी हैं, वो किरण राव की हैं। पहले आशुतोष गोवारिकर ये फिल्म लेकर शाहरुख खान के पास गए थे, लेकिन शाहरुख खान ने फिल्म रिजेक्ट कर दी और फिल्म आमिर खान की झोली में आ गई। फिल्म का पहला कट 7 घंटे 30 मिनट का था। आखिरकार थिएटर में जो फिल्म दिखाई गई वो 3 घंटे 44 मिनट लंबी थी। दो ब्रिटिश अभिनेता जैमी और कैटकिन जब लगान की शूटिंग कर रहे थे तो एक दूसरे को डेट भी कर रहे थे। दोनों ने फिल्म के सेट पर शादी भी की। आमिर और रीना ने कन्यादान की रस्म अदा की। लगान चीन में प्रीमियर होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी। आमिर खान चाहते थे कि फिल्म का म्यूजिक एआर रहमान ही दे, लेकिन एआर रहमान की एक आदत से वो वाकिफ थे। अधिक काम के कारण वो समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाते, इसलिए उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पहले एआर रहमान को सुनाई ताकि वो इसके लिए पूरा समय दें। फिल्म की शूटिंग कच्छ में हुई थी और वहां रहने के लिए कोई भी होटल नहीं था। इस वजह से एक बड़े से बिल्डिंग को किराए पर लेकर होटल बना दिया गया। कच्छ में जब भूकंप आया तो ये बिल्डिंग टूट गई और गांव को भी काफी नुकसान हुआ। आमिर और टीम ने भूकंप पीड़ितों की काफी मदद भी की। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वरना हम भी आपसे दोगुना लगान लेंगे। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।